अच्छा जी, आज लेक्चर सेकंड है ज्योग्राफी का, और मैंने कहा था कि इसमें एस्ट्रोनॉमी को मैं थोड़ा ऐड करूंगा। सिर्फ रेलेवेंट जो भी पीपीएससी के एमसीक्यू से, एफपीएससी के एमसीक्यू से जो रेलेवेंट होगा, ठीक है, वो सिर्फ वही एमसीक्यूज ऐड किया जाएगा। इसमें एक एमसीक्यूज ये भी आ जाता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पूछ लेते हैं और ऑप्शंस देते हैं कि डेफिनेशन जैसे दी होती है, और नीचे ऑप्शंस होते हैं कि जी ये एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, एटसेट्रा। तो बहरहाल एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, आपने याद रखना है कि एक स्टडी है जिसमें हम सिलिशियल बॉडीज को स्टडी करते हैं, जो आसमानी बॉडी है, ऑब्जेक्ट्स हैं, सन है, गैलेक्सीज हैं, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रियॉइड, एटसेट्रा, इन सब को जो स्टडी करते हैं, इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है। जस्ट अ सेकेंड। इसका आगाज हम ऐसा करेंगे कि बिग बैंग, बिग बैंग एक थ्योरी है जो जॉर्ज लेमिटर ने दी। ठीक है, वो कहता है कि जमीन की जो एज है, जमीन की या कायनात की जो एज है, वो 13.4 बिलियन ईयर्स है को है। ठीक है, जमीन की तो आई थिंक 4.6 है। कहता है कि जमीन, ये पूरा ये जो कायनात है, जो जिसमें अब गैलेक्सीज बन गई हैं, जिसमें स्टार्स बन गए हैं, सन है, ठीक है, मून है, सैटेलाइट्स हैं, एटसेट्रा, जितनी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब के सब एक गोले में बंद थी। ठीक है, बड़ा हार्ड, और अचानक एक धमाका हुआ और सब कुछ, फिर ये कायनात एक्सपैंड होती चली गई। ठीक है, जिस तरह इस इमेज में भी दिखाया गया कि रफ्तार रफ्तार ये एक्सपेंड होती चली गई, और आखिर में ह्यूमन बीइंग भी दिखाया कि जब ये फुली एक्सटेंड हो गई, ह्यूमन बीइंग पर वहां पर आगाज हुआ इंसानियत का, जानवर प्रोडक्शन वगैरह। उसके बाद गैलेक्सी, इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि मिलियंस ऑफ, यानी कि स्टार्स, डस्ट और गैस वगैरह मिलकर, जिसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी हो, तो वो गैलेक्सी होती है। और इसकी दो तीन टाइप्स हैं, स्पिरल, इलिप्टिकल, इररेगुलर। ठीक है, ऐसे स्पीशीज शेप्स में बनी हुई है, इलिप्टिकल, इररेगुलर, स्पिरल। और तकरीबन साइंटिस्ट क्या एस्ट्रोनॉमिस्ट कहते हैं कि 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस पूरी कायनात में। उसके बाद स्मॉलेस्ट गैलेक्सी इन द वर्ल्ड है सीग टू ड्वार्फ गैलेक्सी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एमसीक्यू मैंने कहीं पढ़ा है, तो मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया सीग टू ड्वार्फ गैलेक्सी। और स्लॉन डिजिटल स्काई सर्वे, स्लॉन डिजिटल स्काई सर्वे ने ये इसको डिस्क्राइब किया है। वो कहता है तकरीबन इसमें 1000 या इसके करीब स्टार्स हैं, डार्क मैटर है, तो इसलिए इसको स्मॉलेस्ट गैलेक्सी कहा है। वैसे तो 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, जहां पर हमारा सोलर सिस्टम है, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, और ये स्पिरल है। ठीक है, देखें सेंटर, और ये इसमें स्पिरल एक सर्कल्स ऐसे बने हुए हैं, एक से दूसरा ओरिजिनेट होता जा रहा है। इसमें 100 to 4 बिलियन स्टार्स हैं, और जो हमारा सोलर सिस्टम है, देखें ना तो ये बिल्कुल सेंटर के करीब है और ना ही बिल्कुल आउटसाइड है। ब्लैक होल, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है ये, ये बड़ा मुश्किल से नाम है, कार्ल सेक चाइल्ड। ठीक है, आप इसको याद रखना, ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स है जिसमें कर्ली हेयर वाले चाइल्ड रहते हैं। ठीक है, कर्ली हेयर वाले चाइल्ड, आप देखे जो ब्लैक बच्चे होते हैं, ब्लैक मतलब अफ्रीकन्स, तो उनके बाल वो ब्लैक होते हैं, उनका कलर भी ब्लैक होता है, और बाल भी उनके कर्ली होते हैं, घुंघरियाले बाल होते हैं। इसी तरह से आपने इसको लिंक करना है, कार्ल और चाइल्ड, दरमियान का वर्ड या चाहे ना करें, कार्ल और चाइल्ड को ब्लैक होल से आपने इस तरह अटैच करना है, याद करने के लिए। बहरहाल ब्लैक होल्स होते क्या हैं, कि पहली बात तो इनको हम क्लियरली डिस्कवर ही नहीं कर पाए, बस एक आइडिया है, एक अंदाजा है। ये एक सर्कल है, एक ब्लैक होल है, जहां पर जाकर लाइट जाती है और वापस नहीं आ पाती। इतना स्ट्रोंग ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर, कोई स्टार डेड हो जाता है तो भी इसी के अंदर फॉल करता है, लाइट्स जो इसके अंदर जाती हैं डिफरेंट स्टार से, वो वापस नहीं आती। याद रखें, ब्लैक कोई भी चीज,
कोई भी चीज ब्लैक क्यों होती है? इसलिए कि वो लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जो ब्लैक कलर होता है, इससे कहते हैं कि गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए, क्यों? क्योंकि सूरज की लाइट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसलिए इसको ब्लैक ब्लैक कलर्स को प्रोहिबिट किया जाता है। और यही वजह है हम इसको डिस्कवर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे डिस्कवरीज हैं वो लाइट्स को यूज करके ही होती हैं, लेकिन चूंकि लाइट्स यहाँ से रिटर्न ही नहीं हो रही, इसलिए हम इसको प्रॉपरली डिस्कवर नहीं कर पा रहे। डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज हैं हमारे, जो आसमान में, हमारे गैलेक्सीज में, इस तरह स्टार्स, प्लैनेट, मून, ठीक है, मेटियोर, मेट्रोइड, एस्ट्रॉइड्स, इनको हम, इनकी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे कि होती क्या है। स्टार्स और प्लैनेट, ठीक है, बचपन से इनके हम डिफरेंस इनके देखते आ रहे हैं। स्टार का मतलब वो होता है जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, और प्लैनेट का मतलब जो स्टार की लाइट को जस्ट रिसीव करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। और जैसा सूरज एक सितारा है और हमारी जमीन एक प्लैनेट है, तो प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। बाजू का तो पूछ लेता है, सन क्या है? ये एक स्टार है। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। डेफिनेशन से भी एमसीक्यूज बन जाते हैं। मून, मून जिसको नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं, तो यहाँ इस स्लाइड में हम देखेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून की डेफिनेशन बेसिकली एक रॉक की बॉडी है जो किसी प्लेनेट के गिर्द घूमता है, उसको मून कहते हैं। अदरवाइज सैटेलाइट का जो मतलब होता है, जैसे हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बनाए हुए हैं, तो जमीन भी एक सैटेलाइट के तौर पर कंसीडर की जा सकती है। तो सैटेलाइट की जो ओरिजिनल डेफिनेशन ये होती है कि वो कोई भी ऐसा ऐसी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के गिर्द, ठीक है, ऑर्बिट करे, या फिर सन के या स्टार के गिर्द ऑर्बिट करे, तो उसको सैटेलाइट कहते हैं। जिस तरह जमीन एक प्लेनेट है, तो प्लेनेट के गिर्द घूमने वाली ऑब्जेक्ट मून है, वो एक सैटेलाइट है। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो जमीन भी एक सैटेलाइट ही है, ठीक है। एज अ सैटेलाइट उसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन वो प्लेनेट है। तो मून की बेसिकली डेफिनेशन आपने याद रखनी है। और सैटेलाइट किसको कहते हैं, ये मैंने इसमें बताया कि कोई भी स्टार, या फिर स्टार भी हो सकता है और स्टार हो सकता है, प्लेनेट हो सकता है, उसके इर्द गिर्द जो भी ऑब्जेक्ट घूमती है, एक बड़ी ऑब्जेक्ट हो, तो उसे मून कहते हैं। अदरवाइज बेशुमार हैं वो। तो मेटियोर आर शूटिंग स्टार, आपने अक्सर देखा होगा, आप बच्चे भी कहते हैं कि जी आसमान से तारा टूट गया है, और इंडियन मूवीज में देखते हैं कि जी आसमान से तारा टूटे तो दुआ मांगनी चाहिए। बेसिकली वो एक शूटिंग स्टार होता है जो तेजी से आसमान की एक जगह से दूसरी जगह गुजर जाता है, क्योंकि वो एक खास डिस्टेंस पे चला जाता है तो उसकी दुम नजर आना बंद हो जाती है, तो हमें लगता है तारा टूट गया है। पर तारे टूटते भी हैं, लेकिन वो एक अलग बात होती है। बट मोस्टली ये शूटिंग स्टार होता है, स्मॉल पीस ऑफ मैटर दैट फॉल्स फ्रॉम स्पेस विद ग्रेट स्पीड प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट लाइट एज इट एंटर्स द अर्थ एटमोसफेयर। अर्थ का एटमोसफेयर कई सैकड़ों किलोमीटर तक दूर फैला हुआ है, तो जैसे ही कोई स्टार से इस तरह की ऑब्जेक्ट, स्मॉल पीस है जो उस एटमॉस्फेयर से गुजरता है या जमीन के नजदीक से गुजरता है, तो हमें ऐसा लगता है एक स्टार है जिसकी दुम निकली हुई है, दुमदार स्टार इसको कह सकते हैं, तो वो मेटियोर है। उसके बाद मेट्रोइड और एस्टेरॉयड, कॉमेट्स भी कहते हैं एस्टेरॉयड को, इन दोनों के दोनों एक तरह की रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं जो जमीन के इर्द गिर्द, जमीन के इर्द गिर्द क्या, पूरी गैलेक्सीज में ये फिरती हैं, और छोटी रॉक्स हैं। मेट्रोइड एक, ठीक है, मेट्रोइड एक छोटी रॉक है, एस्ट्रॉइड बहुत बड़ी रॉक्स है, ठीक है। और अमूमन जो मेट्रोइड हैं वो एस्ट्रॉइड से निकल रही होती हैं, जो एस्ट्रॉइड हैं बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, अगर वो जब वो टूटती हैं तो मेट्रोइड बन जाती है, और यही मेट्रोइड जब ये टूटते हैं तो जमीन की तरफ बाजू का, जमीन हो या कोई भी प्लेनेट, उन पे गिरते हैं, गिरते हैं, लेकिन जमीन का एटमोसफेयर इतना ज्यादा स्ट्रोंग है, बॉम्ब पड़ेंगे जमीन के एटमोसफेयर में, तो इसको ये रॉक्स जो है इस ऐश बन जाती है, इसको बर्न बर्न हो जाता है मेट्रोइड, तो जमीन को नुकसान नहीं होता। चलिए जी, इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज।